ये तकिए के जो लाइक नॉर्मल तकिए होते हैं, जिस तरह हम मैट्रेस का बात कर रहे थे, तकियों में बहुत स्टेन्स पड़ जाते हैं, धुल भी सकते हैं, पसीने के भी होते हैं ना, लोगों के पसीने के भी वो आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर में क्योंकि मैं बिल्कुल समंदर के सामने रहती हूँ, तो आप अगर कुछ ना भी स्पिल करें, वाइट चीजों पे येलो स्टेन्स आते ही आते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूमिडिटी। वो एक अजीब से एक कलर अजीब सा हो जाता है, हम ये दुख समझते हैं। तो उसके लिए अच्छा, मेरे पास, मैंने ये हैक देखा था, मेरे पास घर में टब नहीं है, बाथटब नहीं है, तो मैंने एक बड़ा जो जी एग्जैक्टली जो फ्लैट टाइप के होते हैं, नॉट बाल्टी, जो थोड़े फैले हुए होते हैं, वो लेके मैंने रखा हुआ है, मैं अपने स्टोर में उसको स्टोर करती हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें आपने पानी भरा, उसके बाद आपने एक कप बेकिंग सोडा, ओके, एक कप डिटर्जेंट, अगर लिक्विड है तो वो, वरना वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और एक कप व्हाइट विनेगर। ये तीनों चीजों के साथ आपने उसको वो मिक्सचर बना लिया, और उसमें आपने अपने पिलोस, क्योंकि मेरा थोड़ा छोटा है तो मैं वन एट अ टाइम करती हूँ, मैं दो नहीं कर सकती, सो उसको सोक कर दिया अच्छी तरीके से कि वो पानी में डूब जाए आपका पिलो, और जस्ट लीव इट फॉर 30 मिनट्स, अगर बहुत ज़्यादा स्टेन्स है तो 45 मिनट्स आप कर लें, उसके बाद आप उसको निकालें, थोड़ा सा उसमें पानी सारा सोक हुआ होगा तो उसको थोड़ा निचोड़ लें, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में आपने डाल के इसको सिर्फ पानी से धोना है, फिर आपको डिटर्जेंट नहीं डालना, जैसे हम तो वॉश लगाते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं ना, आपने डिटर्जेंट नहीं डालना, सिर्फ पानी की साइकिल में इसको वॉश करके और फिर स्पिन और ड्राई करके निकालें। अच्छा, बिल्कुल चमक जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में ड्रायर नहीं है तो क्या हम धूप में इसको सुखा सकते हैं? वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो फिर धूप में ही सूखेगा, लेकिन उसके लिए फिर आप अच्छी तरीके से इसे स्पिन करके इसका पानी सारा निचोड़ लें, खुद ही हाथ से निचोड़ के, एग्जैक्टली, या फिर मशीन का जो स्पिनर होता है उससे तो बिल्कुल पानी, जैसे मेरे घर में स्पिनर है पर मेरे घर में ड्रायर नहीं, पहले था वो खराब कर दिया हेल्पर्स ने, और फिर आप उसको ना ऐसे करके थोड़ा सा, मैं अपना बता दूं कि खड़ा कर कहीं पे रखें धूप में खड़ा करके, तो जो जितना भी पानी होगा, नहीं आप खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर होगा ये कि सारी जो कॉटन है ना वो नीचे गिर जाएगी, कॉटन नीचे, फ्लैट सरफेस पे आपने ऐसे रखना है, आप इसको सीधा अपराइट नहीं रख सकते, ओके ओके, तो वो क्योंकि वेट की वजह से ना कॉटन सारी नीचे आ जाएगी। और बहुत से लोग ड्रायर इसलिए भी यूज नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब इतनी महंगी हो गई है, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड टू यूज ड्रायर ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आप उसको स्पिनर से निकालने के बाद कहीं फ्लैट जगह पे जहाँ पे धूप और नेचुरल एयर हो उधर रख दें, गुठलियां गुठलियां तो नहीं बन जाएंगी, थोड़ी सी अगर हो तो उसको आप अपनी मुट्ठियों से उसको सही कर सकते हैं, सॉफ्ट करके जैसे होता है ना, खोल पंप कर दें, पंप अप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्योंकि मुझे पतला तकिया चाहिए तो मैं मोटे तकिए से नहीं, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, अब नहीं तो नया ले, वो नए तकिए इतने मोटे मोटे होते हैं, दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें नींद नहीं आती, नहीं आती बिल्कुल। अच्छा, ये मजे की बात, आपने वुडन, मैंने वो बताया था ना, वुडन जो बोर्ड बताया था उसी तरीके का है, लेकिन इसमें है कि आपने जरा पानी बॉयल करना है, अच्छा बॉयल अच्छी तरह करें, उसमें बेकिंग सोडा डालें और जो भी डिश वॉश है वो डालें, और विनेगर डालें, विनेगर डालें, और उसके बाद इनको आपने भिगो के रख देना है 15 मिनट से आधा घंटा भिगो दें, कोई बात नहीं, फिर इसको निकाल के आपने अच्छी तरह इसको धो के रख देना है, इस तरह ये होता है कि साफ रहते हैं, इस पे जो निशान हो जाते हैं, ये स्मेल आती है खाने की, वो खत्म हो जाए, इसमें बहुत सारी आपके देखे स्पेस है ना, तो इसमें खाना भी फंस जाता है, मुझे लगता है लकड़ी में ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑयल वगैरह, और जब आप बॉइलिंग वाटर में इसको डालेंगे तो वैसे ही इसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी चीजें सब खत्म हो जाएंगी, जबरदस्त, कपड़े भी तो साफ होने चाहिए। और पता है क्या, मैं तो तंग आ गई थी हर महीने, बाजी ये भी लिख लें, सौदे ये पैसे में आते आएगा सौदे में, मैंने कहा यार मैं पागल हूँ, मतलब अच्छे खासे, अब वो भी आपको मैं बताऊँ 1500 2000 भी कर दिए, चार वाला पैकेट, क्योंकि हम क्वालिटी भी देख रहे होते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, वरना शीशों पर निशान आ जाता है, ये बड़ा मसला है, शीशे पे हमेशा ड्राई कपड़ा लगाना चाहिए, जमीला ने मुझे बताया, तो मैंने कहा वो बता दूँ, कभी नहीं आप तो उसको यूज करा, इन कपड़ों के लिए कुछ भी नहीं करना है यार, जैसे इन्होंने चमचों को बताया, उसमें आपने पानी लिया, जितने भी आपके गंदे कपड़े आपने उनको डिप किया, और उसमें आपने बेकिंग सोडा है, कोई सा भी सोडा आपके पास है, जो लोग बेकिंग नहीं करते, नॉर्मल सोडा तो रखते ही ना, चने वने उबालने के लिए रख लेते हैं, तो वो भी डाल देंगे ना, तो ये इतने अच्छे साफ हो जाते हैं, आप देखें कितनी मट्टी, ये तो ये मैंने कराया गंद, सारा गंद निकल जाता है, तो ये बहुत अच्छे आपके जो जितने भी डस्टिंग वस्टिंग के कपड़े साफ होके आप, और इसमें अगर आप एक और जी प्लीज जो साबुन होता है ना कपड़े धोने वाला,
उसको भी आपने जैसे कद्दूकस जैसे ग्राइंड करके वो डाल दिया ना, तो और ज्यादा साफ हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने और ज्यादा साफ हो जाएंगे जब बॉयल हो रहा है पानी, उसमें आपने वो डाला है और थोड़ा सा थोड़ा सा डाल डाला तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बोल रही हैं जो कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं साबुन रेशमा साबुन, उसको कद्दूकस करके बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो उसकी वजह से भी आपके बहुत ज्यादा वाले कपड़े और ज्यादा हो जाएंगे, निखर जाते हैं। विद बेकिंग पाउडर, हां हां विद बेकिंग पाउडर। अच्छा, एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है, बस यही दो चीज होती है, दो ही चीजें होती है। अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो ना। बेकिंग सोडा बेसिकली खाने का सोडा, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर क्या, ये मतलब बहुत कंफ्यूजन है। बेकिंग सोडा जो होता है वो आपके पकोड़े और छोले इनमें डालते हैं, और बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपके पेस्ट्रीज और केक इनमें चीजों में डालते हैं, क्योंकि सोडा थोड़ा हार्ड होता है और कड़वा ज्यादा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का टेस्ट इतना बिटर नहीं होता, इसलिए वो बेकिंग में केक्स पेस्ट्रीज इन चीजों में। आपको डिफरेंस समझ आ गया, तो मैं इन सारे कामों के लिए घर में बेकिंग सोडा पाउडर की जगह सोडा यूज करती हूँ, क्योंकि इतना महंगा यूज करूँ। बेकिंग पाउडर ज्यादा महंगा, सोडा यूज होता है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज होता। और आपको पता है बाहर तो मुल्कों में हम लोग तो ये पैकेट छोटे लाते हैं ना, बेकिंग सोडा बाहर इतना लोग अपने क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं कि इनके इतने बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं, एक विनेगर और ये बेकिंग सोडा। जी, मैं जब गई वहाँ पे एक स्टोव पे मैंने देखा, मेरी बहन इतना बड़ा बॉक्स, तुम इतनी बेकिंग सोडा का क्या करोगी। तो शी सेड हमारे यहाँ पे यही पैक्स मिलते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि वो अपने सारे क्लीन, आप देखें जितने भी हमने क्लीनिंग हैक्स अभी डिस्कस किए हैं ये मोस्टली बाहर के ही बने हुए होते हैं, वो सब बेकिंग सोडा। इवन आपके ना ये जो चूल्हा गंदा हो जाता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है उसमें छिड़क के छोड़ दें और उसको थोड़ी देर बाद स्प्रे करें, उसको थोड़ा सा साफ करें, आप देखिए इतना अच्छा चमक जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं आज के प्रोग्राम पर नाम बेकिंग सोडा रखती तो गलत नहीं होता, नहीं होता गलत, बिल्कुल बिल्कुल। सारे हैक्स पे कोई इस्तेमाल नहीं है, किचन के लिए तो बेहतरीन है कि आप कह रही है ना बाहर तो इतने बड़े बड़े कनस्तर मिल रहे हैं, मैंने खरीदती है ना, तो आपने किचन के जो हमारी कैबिनेट्स वगैरह ये दीवारें जो खराब हो जाती है जिसमें येलो इशारा होता है, उसमें आपने लेमन लेना है, बेकिंग सोडा लेना है और ये डिशवॉशर लेके इसको किसी ब्रश से आपने 15-20 मिनट के लिए लगा देना है, फिर आपने एक जो आपका स्प्रे बॉटल होती है उसमें विनेगर डाल के और वो उस पर स्प्रे करते जाना है, तो उसकी जो भी डस्ट होगी जो भी येलो होगा सब निकल आएगा, सब ऑयल नीचे आ जाएगा, और उसको आपने फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से साफ कर देना, बिल्कुल साफ हो जाए। जबरदस्त, ये हमारा डेली का है, आपको पता है क्योंकि पराठे बन रहे हैं और चिकनाई ऑयली के पीछे जा रही है, इतनी मुझे गुस्सा चढ़ता है, तो ये सुबह भी होता है और रात चूल्हे के जो टाइल्स होते हैं चूल्हे के पास पे बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब कल ही अलग हो जाती है, ग्रीस हो जाती है, तो ये डेली का हमारे घर का, रात को की जो सफाई होती है किचन की वो बनाया बस बच्ची ने ठक 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 करती है, जितनी देर में बर्तन धोती है तो वो थोड़ा फूल जाता है, उसके बाद वो साफ करती है, किचन साफ, झाड़ू किया, पोछा किया, एंड दैट्स इट।